नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज युग। मैं आपके साथ नवीन कुमार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धनतेरस पर बाजार में होगी धनवर्षा। धनतेरस रहेगा दो दिन का। जयपुर में होगा 800 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार। सोने चांदी के आभूषण व बर्तन की लौटेगी चमक। जयपुर में मादक पदार्थ तस्करों की हुई पहचान। जयपुर को टैक्स फ्री करने की कवायद। 3 महीने में जयपुर को टैक्स फ्री करने का लक्ष्य। 48 घंटे में 92 तस्कर गिरफ्तार। नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर युवक को हुई 5 साल की सजा। 8 मार्च 2016 का है यह मामला। नाबालिग से अभद्रता करने का लगा आरोप। आरोपियों को 5 साल की हुई कैद और 1 लाख रुपए देना होगा जुर्माना। कोचिंग सेंटर में टीचर ने छात्र से की मारपीट। फीस को लेकर हुआ यह विवाद। छात्र से फीस में छूट देने की कहकर वसूल रहे पूरी फीस। वीडियो में कैद हुआ सारा मामला। जयपुर में फैक्ट्रियों का दूषित पानी बना डेंगू मलेरिया का कारण। सीईपीटी प्लांट के पास भरा दूषित पानी। कपड़े धुलाई कारखानों का पानी भरा गड्ढों में। दूषित पानी से बस्ती वाले परेशान। एलडीसी भर्ती परीक्षा रिजल्ट के साथ हुई छेड़खानी। मुख्य परीक्षा परिणाम की पीडीएफ हुई वायरल। 1 दिन पहले आया फर्जी परिणाम। फर्जी रिजल्ट पर नहीं थे बोर्ड अध्यक्ष के हस्ताक्षर। कॉन्फेड का उपहार मेला। 70% तक मिलेंगे सस्ते पटाखे, साथ ही मिलेंगे सोने चांदी के सिक्के। सरकार उपभोक्ता केंद्र पर लगी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी रहेगी 27 अक्टूबर तक। 50 से 70% तक ब्रांड के पटाखे कम दामों में होंगे उपलब्ध। खड़े ट्रक में बाइक ने मारी टक्कर। 3 चचेरे भाइयों की मौत। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। 3 थे चचेरे भाई, जिनमें से 2 की मौके पर ही हो गई मौत। 3रे ने तोड़ा हॉस्पिटल में दम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज यू।